हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीनूज किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सब्जी और बहुत ही टेस्टी सब्जी, आलू मटर की सब्जी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, कितनी झटपट हम बनाएंगे आलू मटर की सब्जी। आइए देखते हैं बहुत ही जल्दी से बनने वाली आलू मटर की टेस्टी सब्जी। 5-6 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसके लिए लिए मैंने आधा किलो आलू। ना आलू ज़्यादा बड़े लिए, छोटे नॉर्मल साइज़ के आलू लिए। पानी में भिगो कर हमने आलू को रख दिए हैं। जब भी आप आलू लें, पानी काट छील के रखें तो उसको पानी में भिगो कर ही रखें आलू को, वरना आलू काले पड़ जाते हैं। और मैंने इसके लिए लिए आधा किलो आलू में 250 ग्राम फ्रोज़न मटर। ये मटर मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, मैंने सर्दियों में, आप मेरे वीडियो में जाकर चैनल में क्लिक करके देख सकते हैं मैंने किस तरीके से मटर को फ्रोज़न किया है। और आइए इन्हीं फ्रोज़न मटर से गर्मियों में बनाते हैं बढ़िया आलू मटर की सब्जी। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 3 से 4 हम टमाटर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं टमाटरों को डाल लेंगे। 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां ली हैं। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऊपर तक भर के धनिया पाउडर, और इसमें मैं आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इसका कोई फ्लेवर, मतलब ओनली फ्लेवर होता है, ओनली कलर के लिए होती है ये, इसका मिर्च नहीं लगती इसमें। मेथी 1 चम्मच थी, इसको भी मैं मिक्सी में डाल के ग्राइंड करूँगी। इन सभी टमाटर मसालों को एक साथ हम बारीक पीस लेंगे। टमाटर मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया, बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बन गया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें 1 पिंच हींग डाल रहे हैं, 1 चम्मच भर के इसमें जीरा, साबुत जीरा। जीरे को तड़कने देंगे। अब इस पेस्ट को हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे मिक्सी से ही। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे तरी निकलने तक। जो हमने टमाटर के संग पहले मसाला भुना है, इसे तरी काफ़ी अच्छी बनती है और सब्जी जल्दी भी बहुत बन जाती है। हमारी तरी तैयार हो रही है, हम आलू को रेडी कर लेते हैं काट के। मैंने साबुत काट के रखे, साबुत छील के रखे थे आलू। आलू जब भी छील के रखें पानी में ही डाल के रखें, ताकि वरना आलू काला पड़ जाएगा। बीच में साफ करते हैं, कोई भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसके 4 भाग कर रही हूँ, मैंने नॉर्मली आलू लिया है। मैं इसके इस तरीके से हर आलू के 4 भाग कर लूँगी आलू मटर की सब्जी के लिए। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। आलू हमारे कट गए हैं, बीच बीच में हम तरी को चलाते रहेंगे। देखो कलर बहुत ही अच्छा है इसका। प्याज हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ इनको, आप इसको काट के भी यूज़ कर सकते हैं आप डालना चाहते हैं उसमें प्याज। इसमें मैं साबुत ही प्याज डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा इस प्याज का। जो छोटी बेबी प्याज होती है इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इन मटर के दानों को हम इस मसाले में डाल देंगे। इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूनना है। तो हमने भून लिया है, इस मसाले को चलाते रहें, नीचे लगना नहीं चाहिए मसाला। अब इन आलुओं को हम पानी से निकालते हुए इसमें डाल देंगे। आलू में मसाला अच्छे से मिल जाए इसको 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। जो मैं ये देगी मिर्च यूज़ करती हूँ ओनली सिर्फ कलर के लिए होती है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर आता है, उसमें सब्जी की रंगत बहुत अच्छी आती है। तो आप उसको ऑप्शनल है, डालें तो आपकी मर्जी। तो पहले 1 गिलास हम पूरा डाल देते हैं, फिर इसको हम मिलाकर देखेंगे जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। अगर कोई सूखी जैसे गाढ़ा पसंद करता है सब्जी, तो 1 गिलास उसके लिए बहुत है। ये थोड़ी सूखी टाइप में लपटमदार सब्जी बनेगी, लेकिन मैं तरीदार सब्जी बना रही हूँ, मुझे ग्रेवी वाली बनानी है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके दूसरे गिलास का देख लेते हैं। मैं पूरे 2 गिलास पानी इसमें यूज़ कर लूँगी। ये देखो पानी अच्छे से हमारा, अच्छे से सब्जी ग्रेवीदार चाहिए तो तरीदार, तो इसमें पानी 2 गिलास अच्छे से लग जाएगा आधा किलो आलू में। इसमें मैं छोटी 1/4 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, आप बाकी स्वाद के अनुसार इसको देख लें। इसको एक बार मिला के कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे और तेज गैस पे हम इसकी 2 विसिल लेंगे, 2 या 3 विसिल, फिर हम 5 मिनट के लिए स्लो करके इसको पकाएंगे। इसमें 2-3 सीटी आ गई हैं। अब मैं गैस को, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और 5-7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे।
सब्जी हमारी बन गई है, 10 मिनट हो गए हैं, गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसका जब तक ढक्कन नहीं खोलना जब तक प्रेशर अपने आप से ना निकल जाए। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत अच्छा कलर हमने इसको एक कैसरोल में निकाल लिया है, इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त सब्जी बन रही है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे गरम गरम। सब्जी बिल्कुल तैयार है, इसको आप गरम गरम फुलकों के संग सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। आप इसमें पनीर भी डाल के टेस्टी और बना सकते हैं सब्जी को, और इस सब्जी को आप रोटियों के संग खाएंगे तो टेस्टी लगेगी, आप इसको पूरी के संग, नान के संग, किसी भी चावलों के संग भी खाएंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसको कभी भी डिनर में, लंच में, नाश्ते में, कभी भी किचन में बना सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इस सब्जी को बनाकर ज़रूर देखिए और खाइए, अपने एक्सपीरियंस को मीनूज़ किचन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।